आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रेयतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो महाबदात्म्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमास्तुते। तत्र कांचन गौरांगी श्रीराधे कृष्ण गणेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शादी गौर भक्तवृंद।
विलंब हाथ पर करे, जिसको भगवान दोनों हाथ दिए हैं वहीं पर करेगा, ना हो तो फिर बाकी अलग है। और मेरे साथ भगवान के पवित्र नाम का स्मरण उच्चारण जोर से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे ध्येयं सदा परिभवाग्रमभे शदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिन् चिन्तम् शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतता लघवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द वंसे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरां दरुणबिं बखला दरोषां सुंदर मुखा अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं नजामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। उपस्थित भगवत कथानुरागी भगवत प्रेमी एवं भक्तमयी माताएं, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो आप सब पधारे हुए माताएं प्रभु जी वृद्ध बाल युवा आप सभी को व्यास मंच से हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन एवं पवित्र दिवस है जिसे एकादशी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन आज एकादशी व्रत है आप हैं? और लोग व्रत नहीं कर किए हैं एकादशी? कल कर सकते हैं। तो एकादशी की महिमा आप लोग सुनिए।
एकादशी क्यों किया जाता है, एकादशी करने से क्या लाभ मिलता है, एकादशी व्रत किसे कहते हैं, कहां से आया है एकादशी। हमने नवरात्रि व्रत सुना है, मंगल व्रत सुना है, लेकिन ये एकादशी व्रत कहां से आ गया है। ये जो एकादशी व्रत है ना, नंद बाबा भी किए थे ब्रज में, वृंदावन में। जो भगवान के पिता हैं वो स्वयं इस व्रत को कर रहे हैं, तो हमें भी ये व्रत करना चाहिए। प्रभु जी समझ में आ रहा है ना। बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एकादशी की महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं क्या, एकादश्याम निराहार समध्य च जनार्दन स्नातु नन्दस्य कानिन्ध बालस्यां जलमाविशत। एकादश्याम निराहार, ये एकादशी व्रत क्या है, तब यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया, कुल कितने हुए, हाँ कितना हुआ कुल, आप लोग मैथ में कमजोर हो, आवाज में निकल रहा है, पांच और पांच कितने हुए, और इन दसों का जो स्वामी है उसका नाम है मन, क्या नाम है, कुल कितने हुए, 11 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, एकादशी व्रत करने से क्या होगा, पहले मन की व्याख्या सुन लीजिए। हम मन में आया तो एकादशी करेंगे, नहीं तो इसका मतलब हमारा मन ही मालिक है, न हमारा ज्ञान यहाँ काम कर रहा है, न इंद्रिया काम कर रही है। पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, दस घरे के घरे रह गए, और इसको जो चला रहा है वो कौन है, मन है। इन इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन बना हुआ है, और ये मन संसार में विषयों में लगाए रखा है। यही कारण है कि हम एकादशी व्रत नहीं कर पाते, उपवास भी कहते हैं इस व्रत को, क्या बोलते हैं, हम आज उपवास, आज व्रत। उपवास का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाए नहीं दिन भर, हाँ आप लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि दिन भर भोजन न करें, जल ग्रहण न करें, फल ग्रहण न करें, वो क्या है वो उपवास। उपवास का अर्थ क्या होता है, आप लोग श्रवण कीजिए, उप का अर्थ होता है निकट, क्या अर्थ होता है, और वास का अर्थ होता है वास करना यानी बैठना, यानी एकादशी का जो दिन है ना, पूरा समय हमें कृष्ण के पास बैठना चाहिए, गुरु के पास, साधु के पास, और श्रीमद् भागवत के समीप, उसे उपवास कहते हैं। नहीं हम उपवास दिन भर हैं और मन में संसार की अनेक प्रकार की कचड़े चल रहे हैं, इसे उपवास नहीं कहते हैं भाई, प्यारे इसे उपवास नहीं कहते हैं। पहले मन को जो है ना, मन हमारा जो स्वामी बना हुआ है, मन में आया तो जप करेंगे, मन में आया तो तिलक लगाएंगे, मन में आया तो हरि नाम संकीर्तन करेंगे, इस मन को ही कृष्ण के श्री चरण कमलों में समर्पित करना है। ये फूल चढ़ाने से हमारे जीवन में कभी ताजगी नहीं आएगी, ताजगी कब आएगी, जब हम अपने सुंदर मन को, सुमन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान नाम,
सब काम को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 15 दिन में कितने बार आता है, सॉरी 15 दिन में कितने बार आता है, और एक महीने में उसमें दो फायदे हैं। हम जो रोज डालते हैं ना पेट में, ये मशीन के चल चल के परेशान हो जाता है कि कब थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तो एकादशी के दिन इसे रेस्ट देना चाहिए। एकादश्यम निराह रसदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा एकादशी व्रत किए हैं, वो भी कैसे निराह, जल भी नहीं ले रहे हैं। जो स्वयं भगवान के पिता हैं, वो जल को भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और हम हैं कि जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं रहेगा तो हम कल नहीं देख सकते। आसक्ति जो हमारा बन गया है, निराहार किसका हम व्रत किसका कर रहे हैं। एकादशी तो एक देवी हुई ना, ये भगवान की माया है, गिफ्ट मिला। जो भी भगवान का कार्य करती है ना, योग माया माया, भगवान उसे गिफ्ट देते हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के, हाँ उस वो दासी तो बोले कि मैं एक दासी हूँ, क्या हूँ मैं, क्या हूँ एक दासी, इसलिए उसका नाम पड़ा एकादशी। प्रसन्न हो गए और कृष्ण क्या कहते हैं, हे देवी, यदि कोई आपका आज के दिन उपवास रखेगा, यदि एकादशी व्रत को करेगा, तो करोड़ों जन्मों से वो मेरा भले ही ध्यान में लगा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, उसे मिलो या ना मिलो इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो एकादशी व्रत को करते हैं ना, भगवान बहुत ही जल्दी निकट, बहुत ही जल्दी मैं उसे अपना बनाता हूँ और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए एकादशी व्रत को करना आवश्यक है। कौन कौन आज के बाद एकादशी करेगा, और लोग नहीं करेंगे, भगवान मना किए हैं क्या कि तुम लोग मत करना एकादशी, नहीं तो नरक में जाओगे। जो एकादशी नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। कौन कौन नरक में जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ। नरक में भी नहीं जाना चाहते और एकादशी भी नहीं करना चाहते, तो फिर कौन कौन एकादशी व्रत करेगा, हाथ खड़ा करो। कुछ लोग नहीं उठाएंगे, मुझे नरक में जाना है ना स्वर्ग में जाना है, कहीं तो जाओगे, पक्का नरक में जाओगे यदि आप एकादशी व्रत नहीं किए। और जो भगवान के समक्ष हाथ खड़ा किया, यदि वो एकादशी व्रत नहीं करेगा, तो ठाकुर जी सब देख रहे हैं कौन कौन हाथ उठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी व्रत आप सब कीजिए आने वाले समय में, और इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो सारी इंद्रियां संयम होंगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा, हर एक प्रकार से आप सही रहेंगे। तो आप लोग एकादशी व्रत को कीजिए, एकादशी पालन कीजिए, ठीक है। आइए महामंत्र के साथ इस प्रण को आज लेते हैं, जिसने हाथ उठाया, जो नहीं उठाया वो भी कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जीवन भर पाप ही क्यों ना किया हो, वैश्याओं के साथ में क्यों ना रहा हो,
ऐसे फर्स्ट क्लास ए ग्रेड के पापी भी यदि भगवान की कथा सप्ताह यज्ञेन श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में भाग लेता है, जो कथा को श्रवण करता है तो वो पावन पुनीत हो जाता है, पावन एवं परम पुनीत बन जाता है। तो क्या हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हम लोग पवित्र नहीं होंगे, हम भगवान के प्रिय नहीं होंगे? अवश्य होंगे। इस प्रकार से शनकादि चारों भैया भक्ति महारानी के दुख को दूर किए, दूर करने के बाद अब यहाँ पर शनकादि ऋषियों का प्रश्न, उससे पूर्व सुत गोस्वामी जी का मंगलाचरण। आइए इन छह प्रश्नों के उत्तर देने से पहले सुत गोस्वामी किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम प्रेमयी, सत्यम परम सच्चिदानंद, वो सत्य परम कौन है? सच्चिदानंद। और वो सच्चिदानंद कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, वो ईश्वर कृष्ण है जिनका विग्रह सत्यचित और आनंद से बना हुआ है। उनका ध्यान करते हुए मंगलाचरण इन तीन श्लोक में पूरी भागवत का सार बताता है। ब्रज के एक संत हुए, उनका कहना है कि वो मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही पूरी बाल लीला भगवान की गुणमय रूपमय लीला की व्याख्या कर दी है। आइए सर्वप्रथम हम इन तीन श्लोकों का गायन करते हैं। मंगलाचरण करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं क्या? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्तस्य चार्थे स्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय। जो धामनाश्मेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम् धीमहि। ऐसे सत्य परम परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जो कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्तस्य। ये जो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है ना, ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। कहां से? सॉरी, ये द्वितीय श्लोक है। प्रथम श्लोक क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और जो दूसरा श्लोक लिया गया है क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। यहां पर सत्य को ध्यान कर रहे हैं, नहीं कृष्ण को ध्यान करना होता तो क्या कहते हैं? राम को ध्यान करना होता तो क्या कहते हैं? कृष्णं परम धीमहि। लेकिन यहां पर किसको किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सत्य परम परमेश्वर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। वो सत्य कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। जो जन्म देने वाले हैं,
जन्म देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पालन भी करते हैं। अनवरत अनभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ होकर इस संसार में सभी जीवों का पालन कर रहे हैं। जन्मादेश यानी सभी जीवों के जन्म देने वाले कौन हैं? ईश्वर है। वैसे ईश्वर जो सत्य है, अगर असत्य हो जाए तो फिर उनका कोई मूल ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पर असत्य को भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य परम परमेश्वर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ आया है ना शाकेश्वभिज्ञ स्वरा, और सबको आनंद देने वाले भिज्ञ हैं। उनका चमत्कार क्या है भाई? बागेश्वर धाम सरकार से बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर है ना। क्या चमत्कार कर रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सहस्त्र कमल पर चार मुख वाले ब्रह्मा जी को स्थापित किया। ये ब्रह्मा विचार में पड़ गए, मैं कहां से आया भाई? शोर पकड़ करके नीचे तक गए, लेकिन कहीं पता नहीं चला कि मैं कहां से आया। तब आकाशवाणी हुई का और तपस्या कीजिए, ध्यान कीजिए। तपस्या किए तो चतुर्मुख ब्रह्मा को चतुर्भुज रूपी विष्णु प्रकट होकर के शंख चक्र गदा पद्म के साथ और ब्रह्मा जी के कपोल गाल पर अपने शंख को स्पर्श कराए और चारों वेदों का ज्ञान दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? है कोई जो स्पर्श कराते ही सारे वेदों का ज्ञान हो जाए? एक छोटी सी किताब पढ़ने के लिए हमें कितनी रक्षा मारना पड़ता है, कितना समय देना पड़ता है, लेकिन ये है ईश्वर की कृपा, अहेतु की कृपा। तेने ब्रह्म हृदय आदि, ऐसे ब्रह्मा को जब उन्हें चारों वेदों का ज्ञान और ब्रह्मा जी बोले कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे मेरा क्या कार्य है? सब यहां पर कहते हैं सृष्टि करो, तुम्हारा एक ही डिपार्टमेंट है कि तुम सृष्टि करो। ऐसे दृश्य को देख करके मोहियंत यत सूरयः, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है एक ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दे दिए, वेद का ज्ञान दे दिए, और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि भगवान के रूप को देख करके बड़े बड़े देवता मुनि मोहित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा मिनिमयो, तेजो वारी मृदाम यथा मिनिमयो, यदि आप भीषण गर्मी हो और प्रखर धूप में यदि आप सड़क मार्ग से जा रहे हो तो क्या होता है? तेजो वारी मृदाम, मृदा में वारी और वारी में मृदा का अंतर दिखाई देने लगता है ना। यदि भीषण सूर्य की प्रखर किरण हो और हम सड़क मार्ग से जाएं तो देखने में क्या लगता है? कुछ दूर पर पानी है ना, भ्रम हो रहा है ना। तेजो वारी मृदा, जल में स्थल का स्थल में जल का भ्रम होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो त्रिगुणमय संसार है ना, जाने के बाद कुछ नहीं रहता है, कोई तेज नहीं रहता, कोई वारी नहीं, वही मृदा वही रोड, लेकिन दूर से क्या लगता है कि वहां पानी है। इसलिए कह रहे ना
तेजो वारी मृदान यथाम विनिमयो जल का स्थल में स्थल का जल में भ्रम होने लगता है। ऐसे ईश्वर को समझना कितना हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे। जब हम उनकी बनाई हुई हम माया को नहीं समझ पा रहे हैं, ईश्वर को समझना बहुत बड़ी बात है। तब यहाँ पर कह रहे हैं यत्र कृष्ण को उसी प्रकार से यह त्रिगुणमयी संसार है। देखने में वास्तविक लगता है लेकिन वास्तविक है नहीं। आज से 20 वर्ष पूर्व ये जो मरावड़ा ग्राम दिख रहा है ऐसा नहीं था, था ऐसा। और आज से 20 वर्ष बाद ये मरावड़ा ग्राम ऐसा नहीं रहेगा, अंतर हो रहा है ना। तो ये जो त्रिगुणमय संसार है ना, देखने में वास्तविक लगता है, सीधा लगता है लेकिन है नहीं, है उल्टा। कैसे? तब यहाँ पर कह रहे हैं धामना स्वेन सदा निरस्त को हुकम। कभी कभी हमें स्वप्न आती है और बड़े राजा ही क्यों ना हो और स्वप्न में हम रंग बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं। और कभी कभी बहुत बड़ा रंग है, गरीब है लेकिन वो भी क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। स्वप्न में हम भयभीत हो जाते हैं। स्वप्न में यदि सर्प आ जाए और स्वप्न चल जाए कि आया रूम में आ गया, आकर के बेड पे चढ़ रहा है, तो आप भयभीत होंगे कि नहीं। स्वप्न नहीं है, आप बढ़िया रूम में एकदम कान दुपट्टा गद्दा डाल के सो रहे हैं लेकिन स्वप्न आपको भयभीत कर दिया। ठीक उसी प्रकार से तो ये जो संसार देख रहे हो ना, संसरतः इति संसार, जो प्रतिदिन सरक रहा है। हम यहाँ पे रहने के लिए नहीं आए हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, जो आप इतने अच्छे अच्छे महल बना रहे हो, इतना धन इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र का जो कर्म प्रारब्ध होगा वो तो मिलेगा ही। तुम अपना जीवन को सवारो। हम एक किराए की तरह आए हुए हैं, हम एक रंगमंच पर हैं, हमें रोल मिला है और जब तक रंगमंच पर है अच्छा रोल निभा लो, नहीं तो उसके बाद फिर एक दिन एक न एक दिन इस संसार को, इस रंगमंच को छोड़ करके जाना है, सब कुछ जाना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाथ खड़ा करे कि अरे 2000 बीत भी जाएगा, 5000 वर्ष भी बीतेगा फिर भी मैं इस मरावड़ा में रहूंगा, अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो जरा हाथ उठा करके मुझे बताए। 200 साल तक जीऊंगा, ऐसा व्यक्ति कोई है तो मुझे हाथ उठा करके दिखाए क्या मैं हूं जो जीने वाला हूं। कोई नहीं है भक्तो, इस संसार में सबको आना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, या फिर राजा हो या फिर रंग हो या फिर फकीर हो, जो भी आया है उसको सरकना है। संसरत इति संसार, हम संसार में हैं। जो संसार प्रतिदिन सरक रहा है, क्या हो रहा है, घिसक रहा है, घर से एक एक सदस्य कम हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। हम भी एक दिन घिसक जाएंगे, इसलिए बार बार कान खोल करके सुनने के लिए कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो। सपने होर भिखारी नृप रंगनाथ पति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जमी होए। अपने अंदर मद मत रखो कि मैं इतना बड़ा महान पंडित हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं क्यों जाऊं कहीं कथा सुनने।
हमारा इतना बड़ा पोस्ट है, मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मैं क्यों जाऊँ कथा सुनने भाई? ऐसे लोग तो साधु नहीं कहते हैं। अरे भाई तुम्हारे अंदर तो मद आ गया, और मद एक ऐसा चीज है, ये कैसा वायरस है जो फिर आपको अधोगति की ओर ले जाएगा, और आप जो पदवी पर हैं वहां से आप डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा संतों के बीच में, साधुओं के बीच में रहना सीखो, और अधिक से अधिक भगवान का नाम, भगवान की कथा और हरि चर्चा में लगे रहो। यही आपका कार्य है, यही आपका धर्म है। नहीं तो बड़े बड़े राजा भी रंग होते देरी नहीं लगते। भिखारी नृत्य आया ना जो है, में सपने में भी वो भिखारी हो जाते हैं, और जो रंग है वो सपने में राजा हो जाता है। इसलिए हमेशा साधुओं के साथ लगे रहो, संतों के साथ लगे रहो। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संग और साथ दोनों में अंतर है। यहाँ पर साथ रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या प्रभु जी भजन गाना शुरू कर दिया संग, अब हमारा दिन इतना खराब हो गया कि हम साधुओं के संग में रहने लगे। कितना अच्छा हमारा घर है। संग का अर्थ होता है कि आपकी जो मति है वो साधुओं के साथ लगी रहनी चाहिए। हम साथ देखिए, एक होता है साथ साथ चलना, और एक होता है संग संग चलना। यदि हमारा व्यवहार, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि मिलती है, इसे संग कहते हैं। जो गुरु कहता है, जो साधु कहता है, उसकी बात को मानते हैं, उसे संग कहते हैं, और जो हम चलते हैं उसे साथ कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। जन की भाव को समझिए क्या कह रहे हैं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मधुर मधुर तालियों को सुना करते हुए गति हम कहीं जाने, अंतन की गति हम कहीं जाने, अंतन की गति हम कहीं जाने, अंतन की गति हम कहीं जाने। क्या जाने कोई पागड़े, हंस पर हंस की जो गति है, काम काम करने वाले, मैं करने वाले लोग क्या जानेंगे। हंसन की जो व्याख्या की जा रही है ना, ये हंस लोग कभी मांस नहीं खाते। यदि आप दूध में पानी मिला करके दो तो दूध पी जाएंगे, पानी छोड़ देंगे। ऐसे होते हैं साधु। यदि साधु कहीं जाता है तो अवगुण है, अवगुण को छोड़ करके उसके गुण को ले लेता है। इसलिए ये कौवे लोग क्या समझेंगे हंस की गति को।
अनशन की गति हम सही जाने, अनशन की गति हम सही जाने, क्या जाने कोई का करे, क्या जाने कोई का करे, तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के कमलनाथ रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई। देखिए नारद जी जिसको मिले ना उसे भगवान की प्राप्ति। जयति जगति माया यस्य काया गवस्ते, वज्र वचन मेकम केवलम चाकलयम, ध्रुव पद्म पिया को यत्र पात्र ध्रुवयम, सकल कुशल पात्रम यस्य पात्र ब्रह्म पात्रम तोषयम। हे नारद जी आपकी जय हो, जय हो। क्यों भाई? क्योंकि आप जिसको मिले उसे भगवान मिल गए। तो नारद जी जैसे गुरु ढूंढो आप जो भगवान से मिलाने का प्रयास करे। नारद जी जिसे मिले उसे भगवान मिले, ध्रुव जी को भी और प्रहलाद जी को भी। लेकिन ये निष्ठा आई कहां से? प्रहलाद और ध्रुव दोनों को गुरु मिले कैसे? क्योंकि भक्त में निष्ठा थी किसके प्रति? कृष्ण के प्रति, कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। हमारे अंदर निष्ठा नहीं है, हम निष्ठावान नहीं है। वही कह रहे हैं क्या? ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन प्रहलाद रे, गुरु सुमिरन प्रहलाद रे, तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। मधुर मधुर तालियों की सेवा करते हुए आपको चाहिए। कल भी बोले थे हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये ठाकुर जी और गुरु महाराज की कृपा है, लेकिन जो उत्साह मिल रहा है ये आपकी कृपा है। तो आप लोग उत्साह जितना बढ़ाएंगे किताब कथा में उतना ही आनंद आएगा। तो तालियों की सेवा करते हुए गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। भजन का साथ ये अंतिम जो अंतरा है ना, इसमें भजन का साथ बता रहे हैं। कबीरा जो कबीर जी हुए ना, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर जी कहते हैं कि अपने मन को इधर उधर मत लगाओ,
संसार के विषयों में मत रमाओ, कान लगाओ, जो तुम्हारा मन है ना राम में लगाओ, कृष्ण में लगाओ। राम भजन में लाग रे, कृष्ण भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बलबन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुख की बन गए मीरा की बन गए, द्रौपदी बन गई मीरा की बन गई, द्रौपदी की बन गई मीरा की बन गई, की बन गई मीरा की बन गई, कृष्ण सुमिरन लाग रे भगवान को याद किए मेरे तो ये गर्भकाल दूसरो ना कोई। और द्रौपदी जी भी कृष्ण को पुकारी उस भरी सभा में दौड़ते हुए आए, कृष्ण सुमिरन कृष्ण को याद की और दौड़ते हुए कृष्ण आए, मीरा मीरा पुकारी कृष्ण आए, कृष्ण सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। इस प्रकार से त्रिगुणमय संसार एक न एक दिन हमें छोड़ करके जाना है, तो बुद्धिमानी यही है कि सुधर जाओ संभल जाओ और भगवान का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, नहीं तो एक दिन हमारे शरीर से जब प्राण निकलेगा ना उस स्वप्न की तरह हो जाओगे, शरीर हिलेगा भी नहीं, जो स्वप्न देख रहे हो एक दिन हकीकत होना है। इसलिए त्यागो, विषयी लोगों को त्यागो, कुसंग लोगों का त्याग करो और भगवान का नाम करो, ऐसे परम परमेश्वर ईश्वर को हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य परम परमेश्वर ईश्वर का ध्यान करते हैं, जो जल का वारी में, वारी का जल में हमें पहचान कराते हैं, हमें अवगत कराते हैं, ऐसे परम परमेश्वर ईश्वर हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्य का। दूसरी श्लोक में आचार्य लोग इसकी बहुत व्याख्या किए हैं, प्रथम श्लोक का जो हम अभी आप सबके सामने प्रस्तुत किए, बंसीधर जी ने इस पर टीका अपना रखा है, व्याख्या किया है,
भगवान के श्लोक के ऊपर जो प्रथम श्लोक है वो क्या कहते हैं, कहते हैं जन्माद्यस्य यत्वन्वयः नितरतः। अभी श्लोक का दूसरा अर्थ समझिए, पहला श्लोक अर्थ मैं बताया, दूसरा अर्थ क्या है, जन्माद्यस्य जिसका जन्म भी अद्भुत है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि संसार की तरह हमारा जन्म नहीं होता है, हमारा जन्म और कर्म दोनों क्या है, दिव्य है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, वसुदेव गृह साक्षात, वसुदेव जी के घर में हुआ। अरे जहाँ पर माँ देवकी हो और वसुदेव जी हो उसे गृहिणी कहा जाएगा, कारागार जेल नहीं कहा जाएगा। न गृह गृह मिच्यते गृहिणी गृह उच्यते, ये ईंट पत्थर सीमेंट के बने हुए को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को भी घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस घर में यदि गृहिणी न हो स्त्री न हो तो उसे क्या बोलते हैं, बिन घर नी घर भूत के डेरा, ऐसा कहावत बोला जाता है। इसलिए घर को घर नहीं गृहिणी को घर कहा जाता है। तो कारागार में वसुदेव जी नहीं थे, सिर्फ माँ देवकी भी थी, तो वसुदेव गृह साक्षात। तो ये सत्य बात है कि भगवान वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए और उनका जो जन्म है अद्भुत, और जन्म लेते ही वो इतरतः वहां रुके नहीं, वहां से चले गए कहां, गोकुल। स्वराट उस रूप को देखने के लिए जब गोकुल में कृष्ण गए ना, स्वराट जो भगवान का स्वरूप है उसको देखने के लिए, क्योंकि भगवान विज्ञ है, निरंकार नहीं है, हमारे भगवान का आकार है, हम आकार की पूजा करते हैं, निरंकार की पूजा नहीं करते। कुछ लोग निरंकारी भी होते हैं, कहीं हम एक दुकान में देखे थे वो निरंकार का ही भक्त था, माला लगा हुआ था लेकिन माला किसका लगा हुआ है, कोई कोई पिक्चर ही नहीं, कोई फोटो ही नहीं, तो माला किसको भाई पहना रहे हो, कुछ हो जो निरंकार है, जो लख ही नहीं सकता, अलख निरंजन है, ऐसे भगवान की पूजा करके हमें मिलेगा क्या। तुम लख रहे हो, तुम जिसे पूजा कर रहे हो वो अलख है, भगवान निरंकार नहीं, भगवान का स्वरूप है सत्यचित आनंद, कृष्ण माधुर्य स्वरूप। भगवान दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, ब्रज में आए द्वापर में आकर के सबको दर्शन दिए और स्वरूप को देख करके तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, आहा ब्रज में कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान के स्वरूप के दर्शन करते हुए ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उतना ही नहीं मोहयंत सूरया, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तरसने लगे कि मुझे कब सौभाग्य मिलेगा, मैं भी जाकर के भगवान के उस स्वरूप का सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करेंगे, ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। मोहयंती सूर्य, और कैलाश में रहने वाले हमारे जो भोलेनाथ हैं ये तरसते नहीं है, ये चले आते हैं मिलने के लिए, गोपी गोपी का रूप बना करके भगवान ब्रज में आए और ठाकुर जी का दर्शन किए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयंती यत सूर्य। अभी हमारी कथा एक श्लोक में चल रही है, ध्यान दीजिएगा, मोहयंती यत सूर्य, ये बड़े बड़े देवता भी स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। और ब्रज में लीला क्या क्या किए, तेजो वारी मृदा यथाम विनिमयो, यमुना जी को वारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मृदा गोवर्धन जो पर्वत है ना वो पत्थर है, तो यमुना जी में गोवर्धन जी का
अनुभव और गोवर्धन जी में यमुना जी भगवान के स्वरूप को देख के, भगवान की लीला को देख के पिघल जाते हैं। यमुना जी को बहने की इच्छा नहीं करती, ये कल कल करती हुई यमुना ये वारी जब देखती है कि ठाकुर जी हमारे किनारे लीला कर रहे हैं, यमुना के किनारे बंसी बजा रहे हैं, तो उनकी ये इच्छा नहीं करती कि मैं कल कल छल छल बहती जाऊं। वो सोचती है कि मैं पत्थर क्यों नहीं हो जाता, मैं यही रुक जाती और ठाकुर जी की यह माधुर्य स्वरूप बंसी का दर्शन करती और इस बंसी को हम श्रवण करते और गोवर्धन पर्वत विचार करते कि काश मैं भी आज सचल रहता, चलने वाला रहता, तो मैं भी जहाँ जहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं वहाँ वहाँ जाकर के मैं दर्शन करता। तेजो वारी मृदा यथाम विनिमयो, वो ईश्वर कैसे हैं, यत्र सर्वेषां। कभी कभी भगवान गोपियों के स्वप्न में भी आते हैं, धामना स्वेन सदा निरस, और गोपियों को दर्शन देकर के गोपियों को भयभीत कर देते हैं, भयभीत यानी प्रेम में। हे कृष्ण हे चलिया, तुम मुझे दर्शन देते हो, दर्शन देकर के मुझे परेशान करते हो, तुम्हारी इस छवि का दर्शन करके मुझे रहा नहीं जाता, मन करता है कि इस रात में ही निकल जाऊं। ऐसे परम परमेश्वर सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं, सत्यम परम ये प्रथम श्लोक जो हम लोगों ने श्रवण किया, इसमें हम दो अर्थ बताए एक श्लोक का। आइए दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत सराणं सतां भद्रं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते परेश्वर सत्यवरुद्यते त्रिकृत श्रोसभे तत्क्षण। इस दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुख गोस्वामी हे शौनकादि को, जो श्रीमद् भागवत है ना, इसमें कपट की बात नहीं की गई है।